हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। यार एंड कुकिंग का एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। तो जैसा कि आप इस टाइम पे मेरा स्कोर देखोगे यार, तो वो 7600 से भी ज़्यादा हो चुका है। तो फाइनली यार हम लोग जो है वो रीजन पे आ चुके हैं। इस टाइम पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो रैंक वाले रीजन पे नहीं हूँ भाई, मैं सोलो विंस पे हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को 63 नंबर पे हूँ, लेकिन जब आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे। मतलब ये नंबर जो है यहीं पर नहीं रहता भाई, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो अभी मैं ट्राई करूँगा, मतलब सीज़न एंड होने तक कम से कम टॉप 10 के अंदर में रहूँ, या फिर टॉप 5 टॉप 1। तो देखो यार, इन लोगों ने 200 बुइया कर लिया ब्रॉन्ज में रह रहे के। टॉप 10 तक तो यही भरे पड़े हैं भाई, पता नहीं ऊपर वाले पूरा का पूरा ब्रांच वाले। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देखते हैं यार कितना आगे तक हम लोग जा पाते हैं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला मैच, इसमें मेरा अभी तक 4 किल हो चुका था, और जस्ट अभी अभी एक बंदे को मैंने यहीं पर ही मारा था। उसका लूट बॉक्स आपको दिखा ही होगा। अब एक बंदा यहाँ पर था भाई, जो वाल से अपने आप को पेक कर लिया था। अब इसका वाल तो मैंने गाड़ी से तोड़ दिया था, ये बंदा मेरे पे फायर करने लगा, तो इसने फिर से वाल लगा लिया भाई, फिर से पेक हो चुका था। अब ये फनी सीन हो गया भाई, ये मेरे ही गाड़ी में मेरे पीछे बैठ गया। मैं सोचा इसको उतर के मारूँ, तो इसको मैंने मार भी दिया भाई, लेकिन आगे से एक बंदा मेरे को हेड मारा भाई, पता नहीं क्या गन चला रहा है। तो मतलब वो तो अच्छा हुआ मेरे पास 3 लेवल का वेस्ट मतलब हेलमेट था, नहीं तो यहाँ पर मैं मरने वाला था। 3 लेवल के हेलमेट ने मेरे को बचा लिया। मतलब भाई एक गोली उसने मेरे हेड पे ही मारा यार, जैसे तैसे करके मैं बच गए। वो तो टाइम पे मैंने वाल लगा लिया, नहीं तो उसका एक शॉट और पड़ता, बॉडी पड़ता, तब भी मैं मर जाता। 3 लेवल का वेस्ट था, इसलिए मैं इस टाइम पे बच गया था। अब ये बंदा मेरे पे फायर करे जा रहा था भाई, इसके पास SVD है यार, देख सकते हो इसके हाथों में SVD था। तो SVD के एक हेड पड़ा मेरे को, लेकिन मैं मरा नहीं। वो तो लक है मेरा अच्छा था, क्योंकि मेरे को इस मैच में बुइया करना था शायद तक, इसलिए मैं मरा नहीं। तो अभी 6 किल इस टाइम पे मेरा हो चुका है, और मेरे को छोड़कर अभी तक 4 बंदे ही और बचे हैं। अब मैं गाड़ी पकड़ूंगा और बंदे ढूंढने का ट्राई करता हूँ। यार मैं अभी जनरली जो है बाइक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मैं पहले भी करता था लेकिन अभी भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को फाइनली एक और बंदा देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर देखो भाई, इसको मैंने गाड़ी से एक बार मारा, ये बंदा कितना दूर जाके गिरा भाई। गाड़ी से मैंने एक टक्कर इसको मारा तो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरा, लेकिन ये 2 बार मतलब इसको गाड़ी से मैंने उड़ाया, फिर भी ये बंदा मरा नहीं भाई, लेकिन इस बार मर जाएगा मेरे को लगता है। तो फाइनली मर चुका है वो। 3 बार मैंने उसको गाड़ी से मारा भाई, तब जाके वो बंदा मरा। तो इसी के साथ अभी मेरा 7 किल हो चुके हैं। अब मेरे को छोड़कर 3 बंदे बचे हैं भाई, पता नहीं किधर किधर बंदे हैं, तो दिख ही नहीं रहे और ना तो फाइट कर रहे हैं आपस में। तो फाइनली एक और बंदा मेरे को देखने को इस टाइम पे मिल चुका है, जो कि जस्ट मेरे सामने में। तो इसको ट्राई करता हूँ, इसको भी मैं गाड़ी से उड़ाऊँ। मैं गाड़ी से मतलब मज़ा आता है भाई, गाड़ी और एक ग्रेनेड है, मैं 2 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मेरे को मतलब इन 2 चीज़ों से ना बंदों को मारने में काफ़ी मतलब मज़ा आता है भाई। तो इसको तो हेड लग गया M10 का, तो ये बंदा भी ख़त्म हो चुका था। अब सामने से मतलब पीछे से एक बंदा मेरे को फायर करता है, वो मेरा वाल तोड़ रहा है शायद तक भाई। तो इसको मैं फायर करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कवर में था रिज के। लेकिन ये बंदा तो काफ़ी समझदार निकला भाई, इस बंदे ने मेरा गाड़ी जला दिया यार। मतलब अगर गाड़ी मेरे पास रहता तो उसके पास जाकर उसको मैं मारता गाड़ी से ही, या फिर M10 से मार देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इसको मैं एम ले रहा था, ये बंदा मेरे पे फायर किया, तो देन इसको मैंने फायर दिया M41Z से, वो बंदा ख़त्म हो चुका था। तो अभी बस एक लास्ट का बंदा बचा है भाई, जोन देखो पानी के साइड में बना है। दिक्कत ये था कि मेरे को जोन में जाना था, मतलब नीचे के साइड जाना था। अगर वो बंदा नीचे में होगा तो मेरे को मार भी सकता है भाई, क्योंकि मेरे से वाल तो लगेगा नहीं। अगर वाल लगेगा तो फिर वो एकदम ज़्यादा नीचे में रहेगा। तो वो बंदा मेरे को फाइनली पानी में दिख चुका था, तो वो तो अच्छा हुआ वो मेरे को दिख गया, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था भाई, नीचे जाते जाते मैं मर भी सकता था। तो फाइनली इसको तो मैंने उड़ा दिया, और इसी के साथ मेरे को इस वाले मैच में 10 किल के साथ बुइया मिला था। तो अभी देखते हैं अपने को प्लस कितना मिल पाता है। मैं प्लस के चक्कर में नहीं हूँ भाई, मेरा ग्रांड मास्टर रहे ना रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को रीजन विंस पे जितना आगे हो सके उतना जाना है। तो मैं ज़्यादा किल के चक्कर में नहीं रहता, 2-4 किल करना है फिर उसके बाद बुइया लेना है, इतना ही देखता हूँ मैं। पूरे प्लस के मैं बिल्कुल भी चक्कर में नहीं हूँ, मतलब 20-25 का भी प्लस मिला तब भी चलेगा, लेकिन मेरे को बुइया चाहिए हर गेम में, ये सोच है अभी के टाइम पे मेरा।
अब यहाँ पर देखो यार, ये बंदा एलशेप के ऊपर में था भाई, पता नहीं कब नीचे आ गया और मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया भाई पीछे से कि मरते मरते मैं बचा। जो है वो थोड़ा सा मैं नर्वस हो चुका था इस टाइम पे, क्योंकि ये बंदा मेरे पे अचानक से अटैक किया भाई पीछे से, वो भी तो यहाँ पर फैंस के पीछे मैं आ चुका था और ये बंदा मेरे पे अंधा रस कर रहा था भाई। मतलब इतना भी क्या रस करना यार, मेरे पीछे ही पड़ गया था भाई ये बंदा तो इसको भी मैंने उड़ा दिया था। और इसी के साथ इस टाइम पर मेरा टोटल 7 किल हो चुके थे और मेरे को छोड़कर अभी बस 3 ही बंदे और बचे हैं, बस उनको ढूंढना है और मारना है, उसके बाद बुइया लेना है। तो अभी चलते हैं, अपना गाड़ी पकड़ते हैं, देन बुइया लेने चलते हैं भाई बंदों को मारकर। तो यहाँ पर मैं सामने की तरफ जा रहा था तभी मेरे को एक और बंदा दिख गया जो मेरे पे फायर कर रहा था। और देखो भाई मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, लेफ्ट राइट कर करके चला रहा हूँ। अगर सीधे सीधे जाओगे बंदा फायर कर रहा है तो आप मरोगे ही मरोगे, क्योंकि हेड बहुत ही जल्दी लग जाए, बहुत जल्दी नहीं लगता लेकिन बहुत चांस रहता है कि आपको हेड लग जाए। अब ऐसा मैं एक दो बार मर भी चुका हूँ, तब जाके मेरे को समझ में आया कि भाई गाड़ी ऐसा नहीं चलाना चाहिए, जब कोई बंदा फायर कर रहा है तो लेफ्ट राइट होके हमेशा गाड़ी चलाओ, लेफ्ट ले जाओ राइट ले जाओ, ऐसा करके आप समझ रहे हो ना, जिग जैग करके चलाओ। अब समझ ही गए होंगे भाई कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो एक बंदा था इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा तो डैमेज कर ही दिया था, लेकिन उस बंदे ने भी मेरे को डैमेज कर दिया था। अब अगर मैं चाहता तो इस टाइम पे इस बंदे को मैं रस करके मार सकता था, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी डैमेज दे दिया था अच्छा खासा। लेकिन मेरे को याद है भाई, मैं मतलब ध्यान देकर खेल रहा हूँ कि हम दोनों को छोड़कर एक और बंदा अभी भी जिंदा है, वो थर्ड पार्टी कर सकता है पीछे से, तो वो पीछे में ही रहेगा भाई, उस साइड तो हम दोनों है, तो इधर से ये बंदा इधर ही रहेगा। इसलिए मैं गाड़ी पकड़ा, देन वहाँ से निकल गया, वाल भी नहीं लगाया भाई, क्योंकि वाल लगाता तो उस साइड लगाता तो ये बंदा पीछे से मारता, इस साइड लगाता तो वो बंदा भी मार सकता था, तो उससे अच्छा है वहाँ से निकल ही गया मैं, थोड़ा सा मतलब कॉर्नर में आ गया, मैं बीच में फंस चुका था, तो थर्ड पार्टी हो सकता था। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रख के खेलो कि आप लास्ट जोन में थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा होता है, एक बंदे का तो आप मार दोगे लेकिन दूसरा कोई बंदा आपको मार देगा, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको बुइया करना है तो थोड़ा सा सेफ खेलो, कॉर्नर में रह के खेलो लास्ट में, तो फिर इजीली आप बुइया निकाल सकते हो। तो फाइनली इस वाले मैच में भी मेरे को बुइया मिल चुका था और शायद तक इसमें मेरा 8 किल के आसपास था, पता नहीं कितना किल है, लेकिन इसमें मेरे को 48 का प्लस मिला भाई, लेकिन 10 किल है भाई इसमें तो मेरा 10 किल था यार, 8 किल बोल रहा था मैं। तो बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें अभी तक मेरा 3 किल हो चुके थे और मेरे को छोड़कर 5 बंदे बचे थे भाई। अब यहाँ पर देखना यार, मैं जस्ट टावर से ही आ रहा हूँ, मतलब टावर के साइड से आ रहा हूँ, लेकिन तब तो वो बंदा मेरे पे फायर नहीं किया भाई, टावर में तो मैं नहीं चढ़ा था, लेकिन टावर से होकर आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी देर बाद उस बंदे ने मेरे पे फायर किया, तो फाइनली उसको भी मैंने उड़ा दिया, हेड ही हेड मारा भाई, एक भी उसको येलो डैमेज नहीं गया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर देखो दो साइड से मेरे को पड़ने लगा था, जैसा कि मैं बोल रहा था थर्ड पार्टी कभी भी मत बनना, तो जैसे तैसे करके मैं वाल लगा के तो बच गया था, लेफ्ट साइड से भी मेरे को पड़ रहा था, राइट साइड से भी मेरे को पड़ रहा था। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करूँगा, मतलब फाइट लेने मत जाओ यार लास्ट में आकर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होल्ड करो तभी आपको बुइया मिलेगा। अगर फाइट लेने जाओगे तो फिर थर्ड पार्टी बनोगे ही बनोगे। अगर आप सोलो में खेल रहे हो तो आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए भाई, मतलब कि मेरे को ये करना है मतलब यही करना है, मतलब एकदम ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फालतू में जैसे कि लूट भी कभी कभी मैं भी मर जाता हूँ, वो बात नहीं है, लूट मतलब इनफ लूट रहता है, 20-30 कभी कभी 20-25 वाल रहता है, फिर भी मैं बैग खोल कर लूटने बैठ जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि बैग भी स्पेस नहीं रहता, तो फिर कुछ कुछ एमओ वगैरह को छोड़ना भी पड़ता है, तो उसके चक्कर में कई बार मैं मर भी चुका हूँ भाई। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अभी तो मैं अपना रूल बना कि मेरे पास अगर 10 से 15 वाल है तो चाहे सामने वाले के पास जितना भी वाल रहे मैं लूटूंगा नहीं उसको, 10 वाल इनफ है भाई, 10-15 वाल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो फालतू का लूट क्यों करना लास्ट में आके। इसके चक्कर में मैं कई बार मर चुका हूँ, इसी सीज़न बोल रहा हूँ, इस सीज़न में कई बार मर चुका हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि मेरा वो लूटने का आदत भाई सबका रहता है यार, जो कि बहुत मुश्किल से जाता है। लेकिन अभी मैं अपना खुद का कुछ कुछ रूल्स बनाया हूँ, जब भी मैं सोलो खेलता हूँ तो उसको फॉलो करके ही खेलता हूँ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास इनफ लूट है तो कभी भी लूटने मत बैठ जाना लास्ट जोन में,
क्योंकि बंदे आसपास ही रहते हैं यार, आपको मतलब स्पॉट कर लेंगे फिर मार देंगे। तो अभी इस बंदे को देखो भाई, ये तगड़ा बंदा था भाई, मेरे को कितना ज़्यादा हेड मार रहा था यार और बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा था। मैं थोड़ा सा भी इस बंदे को पीक देता था, ये बंदा मेरे को हेड ही मार देता था। तो जैसे तैसे करके इस वाले बंदे को मैंने मार ही दिया भाई, वो तो मैं नेड करने स्टार्ट किया, ये इस बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा नेड से ही डैमेज कर दिया था। ये बंदा पेक कर लिया था, लेकिन इसने सही से पेक नहीं किया था यार, लेकिन फिर भी इसको मैंने उड़ा दिया जैसे तैसे करके। तो फाइनली इस वाले मैच में भी मेरे को बुइया मिल चुका था और इसमें मेरे को शायद तक 35 का प्लस मिला और 7 किल थे। तो बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें अभी तक मेरा 4 किल हो चुके थे। अभी देखो टावर में एक बंदा था जो मेरे को डैमेज दे रहा था काफ़ी देर से। अभी इधर लेफ्ट साइड से भी एक बंदा मेरे को फायर किया, तो इसको मैंने हेड मार दिया था ड्रेक करके। तो अभी ये टावर वाला बंदा मेरे को परेशान कर रहा था यार, काफ़ी देर से ये हमारा फाइट चल रहा है इस टावर वाले बंदे से। जो मैं उस टाइम पे वो मोबाइल टावर है ना वहाँ पर था, तो वहाँ से हम लोगों का काफ़ी देर से फाइट चल रहा है, लेकिन मैं परेशान हो चुका था तो थोड़ा आगे जा रहा था इस पे। अब देखो मैं 20 टन पेट लगा कर इस टाइम पे खेल रहा था, तो ईजिली यहाँ से नेड वहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर मैं नेड करना स्टार्ट कर दिया भाई, तो वो फ्रीज ग्रेनेड पहले मारा, देन एक नेड मारा, उससे भी उसको डैमेज गया और दूसरे वाले नेड से भी डैमेज गया। मेरे को लगता था इस वाले नेड से वो मर जाएगा, लेकिन वो बंदा मरा नहीं। लेकिन इस टाइम पे मैं कंफर्म था कि इस वाले नेड से वो बंदा मर ही जाएगा, इसलिए मैं मतलब बिना देखे वहाँ से निकल चुका था। तो सामने में मेरे को एक और बंदा देखने को मिल गया यार, तो इसको भी मैंने उड़ा दिया था और इसी के साथ मेरा टोटल 7 किल हो चुका था। अभी बस एक लास्ट का बंदा और बचा है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, आप लूट भी कर रहे हो ना, तो फिर बैग ओपन करके खुले में बैठ के कभी भी मत लूटना भाई, बंदे मार ही देते यार। जनरली मेरे साथ कई बार हो चुका है और ये मतलब आदत है यार, जो कि जल्दी छूटता भी नहीं है। मेरा खुद का भी ये आदत है लूटने का, इनफ वॉल है इनफ लूट है, फिर भी लूट करने में भी बैठ जाता हूँ कभी कभी, और जिसके चक्कर में कई बार मर भी चुका हूँ। अगर आप बैग खोल कर लूट रहे होंगे तो पीछे से कोई बंदा फायर करोगे, कहीं से भी फायर कर सकता है यार, तो फिर आप जल्दी से वॉल भी लगा नहीं पाओगे, मतलब समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से पड़ रहा है, तो इस चक्कर में मर जाते हैं कभी कभी। तो फिर यही था यार आज का वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।